विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को 30 सीटें सहित भिवंडी शहर की दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देने की मांग। मुंबई: ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के सदस्यों ने आज मुंबई दादर स्थित तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले से भेंटकर आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अल्पसंख्यकों को आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उलेमा बोर्ड के सदस्यों ने अपनी मांग को दोहराते हुए विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को राज्य की 30 सीटें देने की मांग करते हुए विशेष रूप से भिवंडी शहर की पूर्व और पश्चिम दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की मांग पर जोर दिया है। इस अवसर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना नौशाद सिद्दीकी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड राष्ट्रीय महासचिव मौलाना बोनाई हसनी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड प्रदेश महासचिव डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर, डॉक्टर नदीम उस्मानी इत्यादि मौजूद थे। बड़े पैमाने पर पक्ष प्रवेश हो रहा है।